हेलो एंड वेलकम टू कारखाना फ्रेंड्स, आज हमारे पास फिर से एक टाटा टियागो है और टियागो का इस बार हमारे पास जो वेरिएंट है वो है इसका टॉप वेरिएंट यानी कि XZ प्लस। अब इसका ये टॉप मॉडल यानी कि ये सबसे ऊपर का मॉडल माना जाता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे लग के आती कंपनी फिटेड होती हैं, लेकिन यहाँ पर भी अभी कुछ चीज़ों का जो एडिशन कराया जा रहा है, इसमें मॉडिफिकेशन कराई जा रही है, कुछ चीज़ें इसमें और इंस्टॉल कराई जाएंगी और ये सब आपको देखने को मिलेगा इस वाली वीडियो में एक छोटे से इंट्रो के बाद। गार्निश का काम यहाँ पर लग चुका है, हो चुका है और डोर हैंडल पे भी क्रोम फिटिंग हो रही है क्योंकि अभी अधूरा ही काम हुआ है, तो इस तरफ लग चुका है, आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी क्रोम का काम होता है वो प्राइमर लगाने के बाद ही किया जाता है, तो प्राइमर लगने के बाद इसकी पकड़ जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। बाकी कम्प्लीट एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर रियर डोर में ये काम कम्प्लीट हो चुका है, तो फिनिशिंग देखिए टॉप वेरियंट पर बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो आप फिनिशिंग देखिए बहुत अच्छा है। साथ में अभी अब जो जो चीज़ें इसमें होती रहेंगी मैं आपको दिखाता रहूँगा और एक बारी अंदर से मैं दिखा दूँगी क्या क्या काम हो रहा है। बकेट सीट फिटमेंट इसकी ऑलमोस्ट डन हो गई है, अभी यहाँ पर ये देखिए सीट की फिटिंग की जा रही है और उसकी स्टिचिंग देखिए बहुत सही है और बहुत अच्छा, ये बैठने के बाद भी आपको काफ़ी कम्फर्टेबल लगती है। और इसमें स्टेयरिंग व्हील पर जो काम होगा ये भी अभी काम होगा, आपको दिखा दूँ, ये लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील इसके ऊपर किया जाएगा, इस पर ग्रिप चढ़ाई जाएगी, अभी ये भी आपको हम दिखाएंगे। और कुछ काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो डोर सिल गार्ड यहाँ पे लगाया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, टियागो की बैजिंग है, इल्यूमिनेशन भी आ रही है ब्लू कलर की लाइटिंग के साथ, तो जब नाइट में, क्योंकि दिन का टाइम इसमें आपको दिखा रहा हूँ तो हो सकता है दिन में आपको इतना अच्छा ना लग रहा हो, इतना उभर के नहीं आ रहा हो, लेकिन जब ये नाइट में आप देखेंगे तो इसको बहुत ही बेहतरीन इसका लुक सामने आएगा। और डोर्स पर दिखा दूँ एक बार, तो यहाँ पर आप देखें तो डोर पर भी यहाँ पर क्रोम का फिनिश, ये क्योंकि ये जो एक्चुअल में जो डोर हैंडल्स आते हैं वो आते हैं बॉडी कलर के अंदर, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर क्रोम फिनिश है, यहाँ पर एडिशनली यहाँ पर क्रोम का डोर हैंडल लगाया गया है जो कि इसके लुक को और ज़्यादा बेटर बना रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो यहाँ पर विंडो फ्रेम किट है जो कि एक्चुअल में ब्लैक कलर की आती है जब आप कंपनी फिटेड से लेते हैं, तो यहाँ पर भी इसका भी आप क्रोम फिनिश में आप देखोगे तो काफ़ी बेहतरीन लुक देगा। अगर आप इसको दूर से देखते हो, थोड़ा सा पीछे करके दिखाता हूँ आपको, तो एक अलग सा यहाँ पे आपको चमकता सा लुक मिलेगा जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव सा भी फील होगा, जो कि आप देखोगे नॉर्मली उसमें इतना अच्छा आपको फील नहीं आता है। बाकी के जो फीचर्स हैं जैसे कि डुअल टोन अलॉय व्हील्स, इसमें कंपनी फिटेड ही आते हैं और बाकी कुछ काम होना भी बाकी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आईपॉप की ये अपने डोर सिल डोर गार्ड्स हैं तो ये भी लगाए जाएंगे, साथ ही साथ ये अपना डिग्गी क्रोम है वो भी लगाया जाएगा, 70 मैटिंग है वो भी की जाएगी और बहुत सारा काम है जो वन बाय वन आपको हम यहाँ पर दिखा देंगे। यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील पे जो कवर चढ़ाया जा रहा है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी कटिंग की जा रही है, फिर उसके बाद इसकी पेस्टिंग होगी और उसके बाद होगी इसकी स्टिचिंग, तो इसमें भी मेहनत लगती है, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो खुद से ना करें ये हम आपको सलाह देंगे, और अगर आप कहीं से भी करवाते हैं तो ऐसी जगह से कराएं जहां से फिनिशिंग उभर के आए, क्योंकि बहुत बारी देखा गया है कि लोग करवा तो लेते हैं स्टीयरिंग व्हील पे कवर लगवाते हैं लेकिन उसकी जो स्टिचिंग होती है वो उधड़ने लगती है या फिर उसकी जो फिनिशिंग होती है ना वो सही नहीं आती है, तो लोगों को हमेशा कंप्लेंट रहती है। बट यहाँ पर जहाँ पर ये काम हो रहा है तो आपको हमने कई बार दिखाया, ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ है कि इसका जो फीडबैक है वो भी बहुत अच्छा रहता है, फिनिशिंग में कोई कंप्लेंट नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है वो प्रोफेशनल्स के थ्रू ही होता है, तो यहाँ पर काम करवाएं चाहे आप जहाँ भी करवाएं लेकिन प्रोफेशनल से ही कराएं। टियागो में काम शुरू हो चुका है, स्टीयरिंग व्हील पे जो कवर चढ़ाया जा रहा है, अब इसकी स्टिचिंग आप देख लीजिए किस तरह से इसकी स्टिचिंग का काम हो रहा है, और आपको ये फिर से एक बार ये दिखाऊंगा जब इसका काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या काम हुआ हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉर्नर प्रोटेक्टर यहाँ पे लग चुके हैं क्रोम के साथ, जो आप फिनिश देख रहे हैं, क्योंकि ये टॉप मॉडल है आपको पहले ही बता चुका था, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की करवाने की ज़रूरत नहीं भी होती है, लेकिन जो जो हुआ है जैसे कि अब आप यहाँ पे देखेंगे जो साइड बिडिंग्स हैं वो भी लग चुकी हैं, डोर गार्ड लग चुके हैं, किया जा रहा है काम, क्रोम के फिनिश में आपको ऑलरेडी दिखा चुका था, आप ये देखिए कंप्लीट होने के बाद ये कैसा लग रहा है, आप इसकी अगर एक लाइन देखेंगे
तो आपको ये दिखा देंगे, थोड़ा सा ये एक ये क्रोम लाइन बन जाती है इसके ऊपर, जो कि आपको लोअर गार्निश के साथ मिल रही है। और आप अगर इसके डोर वाइजर्स की बात करेंगे तो ये भी क्रोम इंसर्ट्स के साथ आ रहे हैं, मतलब इसमें क्रोम इंसर्ट वाले जो डोर गार्ड्स हैं वो लगाए गए हैं। और इसकी बैजिंग यानी कि आप टाटा टियागो की बैजिंग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर टाटा और यहाँ पर आपको टियागो की बैजिंग भी मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और लॉक हो चुका है ये, मैं दूसरे डोर से एंटर करता हूँ फिर। तो चलिए आप घुसते हैं गाड़ी में और देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीट का काम आपको काम दिखा देते हैं। ये देखिए सीट कवर यहाँ पे लग चुके हैं, बकेट फिटमेंट के साथ में है। एक बारी मैं बैठ के देखूंगा कि कैसा कंफर्ट है इसका। ये देखिए वाह, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टेयरिंग में आपको दिखा चुका था, फिर भी आप एक बारी देखिए स्टेयरिंग में फिनिशिंग, आप देखिए फिनिशिंग देखने लायक है, कहीं से भी एक्स्ट्रा कुछ भी निकला नहीं है, काफ़ी अच्छा काम हो गया है यहाँ पर। और स्टिचिंग आपने देख ही ली थी, फिर भी एक बारी देखिए स्टिचिंग बहुत अच्छी है और बेज कलर में है ये, ब्लैक बेज एंड ब्लैक। 70 फुट मैट्स देखिए यहाँ पर, तो कुछ इस तरह की इसमें आपको लुक मिल जाएगी। फ्रेंड्स अब हमारे पास टियागो के ओनर यहाँ पे हैं मोहित जी, और मोहित जी आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मोहित जी जैसा आपके पास ये टाटा का टियागो टॉप वेरिएंट है, और आप इसमें यहाँ पे जिस जो भी आपने काम कराया तो उससे सेटिस्फाई हैं आप? बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई बता रहे हैं। और जो आपका एक बजट होगा, लाइक आप जो भी आप घर से सोच रहे होंगे कि मेरा एक बजट है, क्या उसके अंदर ये काम हो गया है या फिर इसके ऊपर गया? एक्सपेक्टेड था इतना खर्चा होगा और उतना ही खर्चा हुआ है। अच्छा उतना ही खर्चा हुआ है, ठीक। अच्छा मैं आपसे ना एक चीज़ और जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए, कि जब आपने ये गाड़ी चूज़ करी थी टाटा टियागो, आपने जब चूज़ करी है तो ऑब्वियसली आपके माइंड में दो तीन गाड़ियाँ और रही होंगी ज़रूर कंपैरिजन में, तो आपने टाटा टियागो ही क्यों चुनी? मेरे कंपैरिजन एक्चुअली क्या है, मैंने खूब कंपेयर कर लिया था सब जगह से। ओके। और कोई गाड़ी थी नहीं, टियागो ही लेनी थी मैंने। ओके। क्योंकि इस गाड़ी के बारे में इतना सुन चुका था मैं सबसे, बिल्ड क्वालिटी के बारे में, बिल्ड क्वालिटी, लाइट क्वालिटी, ईच एंड एवरीथिंग, और प्लस फिर सेफ्टी, फोर स्टार सेफ्टी। राइट राइट राइट, बिल्कुल। यहाँ पर जो हमारे जो एज ए कस्टमर अगर मैं बोलूँ तो इन्होंने यहाँ पर सेफ्टी को प्रेफरेंस दी है, सेफ्टी पहले है उसके बाद सारी चीज़ें तो गाड़ी में लगी जाती है। जस्ट बिकॉज ये मैं मेरे लिए कार नहीं लिया, मैंने अपने फादर के लिए। ओके बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पर तो हम वैसे भी सेफ्टी पहले ज़्यादा देखते हैं। सही है, तो टाटा की गाड़ी है, फोर स्टार गाड़ी है, और आपको पता है कि टाटा अपनी गाड़ियों में जो सेफ्टी है वो कूट कूट के डालता है, और उनके बजट के अंदर ही जैसा उन्होंने जितना बजट सोचा था वो बजट के अंदर ही हुआ है। और अगर आपको भी जानना है कि इनका बजट कितना था और कितने में ये सारी चीज़ें हुई हैं जो भी हमने आपको यहाँ पर टाटा टियागो में दिखाई हैं, तो उसके लिए आपको करना होगा हमें कमेंट, फिर हम आपको उनके आंसर्स देंगे या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में आपको डिटेल में बताएं। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये इंस्टॉलेशन कैसा लगा, ये फिटमेंट्स कैसी लगी, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो ऐसे तो वो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कारखाना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते रहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है।